तो भाई आज है 21 दिसंबर और आज के दिन डंकी फिल्म रिलीज हो चुका है। ऐसे में रिव्यू बहुत ही अच्छा आया है डंकी फिल्म का, तो बताएंगे डंकी फिल्म के रिव्यू के बारे में और बात करेंगे सलार फिल्म के एडवांस बुकिंग के बारे में भी। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो गाइस पहले बात करते हैं सलार फिल्म के बारे में। तो कल न्यूज़ आया था नॉर्थ साइड में सलार फिल्म PVR आईनॉक्स में रिलीज़ नहीं होगा। उसके बाद शाहरुख खान के फैंस और प्रभास के फैंस आपस में लड़ गए, लेकिन बाद में सलार फिल्म का एडवांस बुकिंग ओपन हो गया PVR और आईनॉक्स में। आपको बता दूँ फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग बहुत ही ज़्यादा है। बताना चाहेंगे फर्स्ट डे का ग्रॉस एडवांस बुकिंग है सलार फिल्म का 30 करोड़ के आसपास, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। हिंदी में सलार को बहुत ही कम शो मिला है। अगर हिंदी में भी सलार को बहुत ज़्यादा शो मिलता तो और ज़्यादा कलेक्शन होता। बात करें डंकी फिल्म के बारे में, तो डंकी फिल्म का रिव्यू ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि कल रात से ही शो रखा गया था बहुत जगह। तो ऐसे में बात करें फिल्म के बारे में, तो कहा जा रहा है कि फिल्म एकदम शानदार है और फैमिली इंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म का स्टोरी कमाल का है और स्टोरी टेलिंग कमाल का है। इसके अलावा सीनोग्राफी भी बहुत ही अच्छा है और सभी का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। बहुत ही कमाल का फिल्म है, पूरा एकदम कंप्लीट मास्टरपीस है। और फिल्म में भर भर के कॉमेडी भी है, इसके अलावा फिल्म में इमोशन भी है। जिसने भी फिल्म देखा है उन लोगों ने बहुत अच्छा स्टार दिया है डंकी को। तो भाई एक और फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन करेगा शाहरुख खान का और इस साल रिकॉर्ड बन जाएगा। फिलहाल आप जा रहे हो डंकी फिल्म देखने कि नहीं देखने, लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।